नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम पीले दांतों को नींबू से सफेद करने के दो बहुत ही आसान और घर पर किए जाने वाले तरीकों के बारे में बताएंगे, पर आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इन तरीकों को इस्तेमाल किए जाने के बाद कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये हम आपको बताएंगे, ताकि आपके दांतों को इन होम रेमेडी से कोई नुकसान नहीं हो। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से केसेस में ये वाली होम रेमेडी काम नहीं करती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहला है लेमन माउथ वॉश। लेमन माउथ वॉश घर पर कैसे बनाते हैं, चलिए जानते हैं। हो सके तो आप हर बार फ्रेश माउथ वॉश बनाकर ही काम में लें। उसके लिए आपको एक नींबू का रस चाहिए होगा, साथ ही आधा से भी कम चम्मच नमक चाहिए होगा, जैसा कि हमने यहाँ लिया है। अभी जितनी मात्रा नींबू के रस की हो रही है, लगभग उतनी ही मात्रा सादे पानी की आपको इसमें मिक्स करनी है, और ये आपका माउथ वॉश तैयार हो गया है। अब इसको आपको सिंपल मुंह में लेना है और 1 से 2 मिनट तक मुंह में घुमाना है। अगर ये आपको थोड़ा सा कड़वा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पानी भी नहीं मिलाना है, नहीं तो इससे दांतों की व्हाइटनिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। दूसरा है लेमन पील, मतलब कि नींबू के छिलके। इससे कैसे होता है, तो नींबू का जो छिलका होता है उसको आपको हाथ में लेना है और हल्के हाथ से दांतों पर रब करना है, रगड़ना है। ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक ही रगड़ना है, मतलब कि 2 से 3 मिनट तक पूरे दांतों में रगड़ना है। अब ये दोनों तरीके हो गए नींबू से दांतों को सफेद करने के। अब इनमें से आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन इनके लिए ध्यान क्या रखना है, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको ये काम ब्रशिंग, फ्लोसिंग और टंग क्लीनिंग के बाद करनी है। मतलब कि आप जो नॉर्मल दांत और मुंह की सफाई करते हैं उसके बाद ही ये करना है, और ये करने के बाद 2 से 3 मिनट रुकने के बाद ही आपको सादा पानी से कुल्ला करना है, और कम से कम आधा घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना ही ब्रश करनी है, क्योंकि नींबू जो होता है वो एसिडिक होता है, तो इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर हम सादा पानी से कुल्ला कर लेते हैं तो एसिड से दांतों को होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। और साथ ही अगर हम आधे घंटे तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं और ब्रश नहीं करेंगे तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि दांतों की जो सबसे ऊपर की परत इनेमल जो होती है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी होती है, नरम हो चुकी होती है, उसके घिसने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ हफ्तों में आपके दांत सफेद होना शुरू हो जाएंगे और आपके दांतों की शेड इम्प्रूव हो जाएगी, और एसिड की वजह से दांत के घिसने का रिस्क भी नहीं रहेगा। ये होम रेमेडी आपको वीक में 3 बार से ज्यादा नहीं करनी है, मतलब कि आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन में 1 बार ही करनी है। और अगर आपके मुंह में छाले हो रखे हैं तो आपको ये रेमेडी यूज में नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपके छालों में जलन होगी। और अगर आपके दांतों में पहले से सेंसिटिविटी है, मतलब कि दांतों का एनेमल पहले से घिसा हुआ है और डेंटिन की परत आ रखी है, जो कि दांत के अंदर की दूसरी परत होती है और उसकी वजह से दांत पीले दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये वाली होम रेमेडी नहीं करनी है, नहीं तो आपके दांतों की सेंसिटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप इस फोटो में देखिए, ये दांतों के चारों तरफ सफेद इनेमल है जो कि दांत की साइड में ही बचा है और बीच में डेंटिन है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके दांत हो तो आपको ये होम रेमेडी काम में नहीं लेनी है। अब अगला हम बात करते हैं कि किन किन केसेस में ये होम रेमेडी का इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहला है फ्लोराइड। अगर आपके दांतों में फ्लोराइड की वजह से पीलापन है तो इस होम रेमेडी का इफेक्ट नहीं आएगा या रिजल्ट बहुत ही कम आएंगे। दूसरा है तंबाकू। अगर आप तंबाकू लेते हैं तो पहले आपको तंबाकू छोड़ना होगा, उसके बाद ही ये रेमेडी का इफेक्ट आएगा। लास्ट में हम बात करें कि अगर आप अपने दांतों को व्हाइटनिंग टूथपेस्ट से सफेद करना चाहते हैं तो उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां जाकर आप उनको देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।